हेलो, आई एम सुप्रिया एंड यू आर वाचिंग 4 PM बॉलीवुड। बॉलीवुड में अक्सर ग्रैंड शादियों के बारे में सुनने को मिल जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस तरह से फिल्मी सितारे अपनी शादी को ग्रैंड बनाने के लिए पानी की तरह पैसे बहाते हैं, उसी तरह इनके डिवोर्स भी काफी खर्चीले और बड़े होते हैं। ऐसे ही कुछ फिल्मी सितारों का डिवोर्स का खर्चा तो इतना ज्यादा रहा है कि इतने में तो एक शानदार इवेंट आसानी में निपट जाए। चलिए आज हम आपको बताते हैं बॉलीवुड के 10 सबसे महंगे तलाकों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ऋतिक रोशन और सुजैन खान। ऋतिक रोशन और सुजैन खान के तलाक की गिनती सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे महंगे तलाकों में होती है। दोनों की शादी साल 2000 में हुई थी और अफेयर की खबरों के चलते कपल ने तलाक लिया। कहते हैं कि सुजैन खान ने एलिमनी में 400 करोड़ रुपए की मांग की थी, जिसमें से 380 करोड़ रुपए उन्हें दिए गए थे। करिश्मा कपूर और संजय कपूर। करिश्मा कपूर ने 11 साल की शादी के बाद 2016 में तलाक लिया था। तलाक के दौरान करिश्मा और उनके पति संजय के बीच 14 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके तहत संजय हर महीने 10 लाख रुपयों का भुगतान करिश्मा को करते हैं। ये पैसे उनके दो बच्चों की देखभाल में खर्च किए जाते हैं। फरहान अख्तर और अधुना। फरहान अख्तर और अधुना के तलाक की खबर आने पर कई लोग हैरान थे, क्योंकि कपल ने शादी के 16 साल बाद अलग होने का फैसला लिया था। इससे पहले ना तो फरहान और ना ही अधुना का कोई अफेयर चर्चा में आया था। ऐसे में इनका तलाक लेना कई लोगों के लिए हैरान कर देने वाला था। तलाक के बाद अधुना ने मुंबई स्थित 1000 स्क्वायर फीट में बना बंगला अपने पास रखने की मांग की थी। इसके अलावा फरहान अपनी बेटी की देखभाल के लिए हर महीने मोटी रकम अदा करते हैं। सैफ अली खान और अमृता सिंह। शादी की तरह ही सैफ और अमृता के तलाक ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। 13 साल बड़ी अमृता से शादी करने के 13 साल बाद सैफ ने उनसे अलग होने का फैसला लिया था। एक इंटरव्यू में सैफ ने बताया था, तलाक के दौरान 5 करोड़ रुपए की एलिमनी तय की गई थी, जिसमें से 2.5 करोड़ रुपए वो दे चुके हैं। साथ ही बच्चों की देखभाल के लिए हर महीने 1 लाख रुपए भी अमृता को देते हैं। संजय दत्त और रिया। रिया संजय दत्त की दूसरी पत्नी थी। संजय रिया से काफी प्यार करते थे और तलाक के काफी समय बाद तक रिया के सभी खर्चे उठाते रहे। मुआवजे के तौर पर उन्होंने रिया को कितने रुपए दिए, इसका आधिकारिक तौर पर खुलासा तो नहीं हुआ था, लेकिन खबरों की माने तो संजय ने 4 करोड़ रुपए अदा किए थे। साथ ही उन्हें एक महंगी कार भी दी थी। लिएंडर पेस और रिया। संजय दत्त से तलाक के बाद रिया ने टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस से शादी की थी, लेकिन इनका रिश्ता नहीं टिक पाया और दोनों ने तलाक ले लिया। कहते हैं कि रिया ने मुआवजे के रूप में हर महीने 4 लाख रुपए की मांग की थी, जिसमें से 3 लाख उन्होंने अपने लिए और 90,000 के करीब अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मांगे थे। आदित्य चोपड़ा और पायल खन्ना। मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर और रानी मुखर्जी के पति आदित्य ने अपनी पत्नी पायल से तलाक लेने के लिए 50 करोड़ रुपए अदा किए थे। इसी के साथ आदित्य का तलाक भी देश का सबसे महंगे तलाकों में गिना जाने लगा था। प्रभु देवा और रामलता। मल्टी टैलेंटेड प्रभु देवा ने साल 2011 में रामलता से तलाक लिया था। उन्होंने एलिमनी के तौर पर नगद मात्र 1 लाख रुपए प्रदान किए थे, लेकिन उसके साथ 20 से 25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी उन्हें दी थी। इसी के चलते बॉलीवुड का काफी महंगा तलाक बन गया ये। आमिर खान और रीना दत्ता। आमिर खान ने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर 1986 में रीना दत्ता से शादी की थी, लेकिन कुछ ही सालों में दोनों के बीच दूरियां आने लगी और साल 2002 में कपल ने तलाक ले लिया था। आमिर खान का ये तलाक काफी भारी पड़ा था। रिपोर्ट्स की माने तो आमिर ने मुआवजे के तौर पर 50 करोड़ रुपए दिए थे।
अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड के सबसे हॉट कपल्स की गिनती में शामिल रहे। अरबाज और मलाइका का तलाक भी काफी चौंकाने वाला था। हालांकि इनके तलाक की एलिमनी का भी कोई ऑफिशियल खुलासा नहीं किया गया था, लेकिन खबरों की माने तो मलाइका ने मुआवजे के तौर पर 15 करोड़ रुपए की मांग की थी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहिए 4 PM बॉलीवुड।